भाई कितनी टेस्टी लग रही है दिल। तुम कब साइज हो? क्या हुआ? सांसों में तेरी नजदीकी। तेरे मेरे मार इतना बड़ा बनता है और हमारे इतने नखुने मार गया था पीलिया के करके नीचे से आया धूम में से बोले कुछ मुझे छोड़ दो। देखो वहाँ पर एक भूत बैठा हुआ सिस्टर है, मैंने भी फटाफट से अपने क्रीम लगा ली थी क्योंकि मैं गया था बाहर अभी मुर्गा लेने, क्योंकि आज हम भी ऐसी डिश बनाने वाली है। वो तो आने में तो माशाल्लाह से हमें अब डेली खतरनाक चीजें दिखाई जा रही है। तो कितनी गंदगी हो रही है, बर्तन फर्तन धुल लो और ये चाय बन रही है अभी। तुम्हें पता ही सिस्टर की बन रही है और रिहान की बन रही है। रिहान तो सो रहा है, सिस्टर अभी पिएगी। मम्मी और अब्बू मेरे तीनों ने हमने पहले पी ली थी। मेरे पीछे अरमान ब्लॉग लिखा पड़ा है, कोई जलाते नहीं जब तक मैंने नहीं जलाया ना, तो बंद ही रहेगा जिंदगी भर। आज देखो मैं अपने अलमारी दिखाने आ रहा हूँ, मेरे कपड़ों पे इतने सारे कपड़े हैं। परेश वाले को मम्मी ने सिर्फ दो कटरी रख रखी है, मैंने भिजवा दो परेश वाले को नहीं भिजवा। देखो इधर रिहान के पड़े, इधर मेरे पड़े और इधर अपना पर्स पता नहीं कहाँ से रख दिया है, और इस साइड में भी अलमारी में मेरे ही हो, बहुत सारे कपड़े भी तो एक्स्ट्रा रखे हैं। अब मैं ये बता दो, तुम्हारा 31 दिसंबर को बर्थडे है, तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? हैप्पी बर्थडे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लोगों की दुआ चाहिए। ये लोग कौन थे सर? तो दुआ तो मिली है, गिफ्ट में बताओ गिफ्ट में क्या चाहिए मेरी तरफ से। मतलब गिफ्ट जरूरी नहीं है, बच्चे बस इज्जत करें, मोहब्बत दें, प्यार दें। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कमेंट में बताओ कि 31 दिसंबर को बर्थडे है, की क्या स्पेशल चीज करें। मैं ये कहना चाहती हूँ तेरे 1 लाख होने वाले इंस्टाग्राम। अभी नहीं हो रहा, अभी 30,000 का मैं पूरे 70,000 कल हुए थे मेरे, परसों तक हो गए तो कपड़े बने। डन 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 डन, 1 लाख होने पे बनेंगे। अच्छा हाँ, तो कभी हो जाए 1 लाख, मैं चारों को कपड़े बना दूँ अपनी तरफ से। बढ़िया अम्मी का मुझे। अरे रोक रही हो, मेरा बर्थडे आने वाला है, उसकी खुशी नहीं है। तू सब पूजो कपड़ा बनाएगा, खर्चा करेगा, मेरी चेन खुलने वाली है। पैसा तो अम्मी देंगी, अम्मी कह रही है यार ये क्या सीन होता है, मुझे तो खुशी क्यों नहीं होती। इनको लालच मत दे कर, ये बहुत लालची है। कहना क्या चाह रहे हैं भैया? कोई बात नहीं, खर्चा करवाएंगे तो। अरे होने तो बर्थडे है मम्मी, 1 लाख की इतनी खुशी है बस पूछो मत। आज हमारे किचन में बन रहा है कढ़ाई चिकन, सिस्टर ने पहले बनाया था तो अम्मी कह रही तुम्हें मजे नहीं आए, अब मैं बना के दिखाती हूँ और तुम्हें देखना उसे मजा, खाने में तो खतरनाक होगा। बहुत अच्छा लगा, मैंने कब झूठा तुमने की थी मुझसे, झूठ मत बोलो, इसलिए मैं दोबारा छोटी खबरें बस बोलोगी कैमरा ऑन हो गया था। ये बहुत तेज की छीट मारता मुझे पता, थोड़ी पीछे यार ना। चलो 3 2 1 गो। बिस्मिल्लाह। अरे तो मारा ही नहीं, अम्मी के हाथ का जादू है इसमें, अगर सिस्टर इसके अंदर डालती ना तो कड़ाई पूरी भाग जाती दूर, और अम्मी ने डाला ना इतनी सॉफ्टली बन गया। पूरा हो चुका है 5 मिनट इसे भूनते, अदरक लहसुन का इसके अंदर पेस्ट हमने ऐड कर दिया था। ये वाले जितने भी हैं सारे मसाले हैं, कितने बढ़िया देख सकते हैं आप, थोड़े थोड़े रखने ना एक एक चम्मच। मैंने सिर्फ चिकन का फ्लेवर ज्यादा आता है तो मसाले कम डालेंगे, और हमने ना इसमें ज्यादा हरी मिर्च काटनी है भर भर के, इसलिए मसाले कम। इसके अंदर टमाटर डाल देते हो, हरी मिर्च डाल देते हो, टमाटर तक करना जब तक ये गलते नहीं हो, टमाटर के जो बड़े छिलके होते हैं वो साइड में रख दे। और एक और आ गया यहाँ पर, ये दही है, दही भी इसमें अंदर डाल। सिस्टर इससे क्या फायदा होता है? इससे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चीज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हो, सिस्टर मसाला डाल दो ना। कितनी देर में रेडी होगा ये? थोड़ी मेरे इधर ढक के पका रहा हूं ताकि ये गल जाए, बाकी टेस्ट करके पका। इसका नाम है पेशावरी कढ़ाई, आज कुछ यूनिक कढ़ाई होने वाली है, हमारे घर में कढ़ाइयां बननी है। अलग ही शौक लग चुका है पूरा घर को, और अब ना सबको यही पसंद आने लगी भाई ऐसी चीजें डेली पाओ, गोश्त हम बोर हो चुके थे। आज की पेशावरी कढ़ाई है ना, अब्बू की डिमांड में बन रही है स्पेशल। अगर किसी को मेरे से प्रमोशन कराना हो मेरे इंस्टाग्राम पर, शॉप का, प्रोडक्ट का, किसी का भी, हर चीज एवरी चीज है, सब चीज का प्रमोशन कर रहा हूँ, तो फटाफट से जाए मुझे मैसेज करें और प्रमोशन कराए। हो चुका है फाइनली हमारा पेशावरी कढ़ाई रेडी, अब जल्दी से उसके मुंह दिखाई करते हैं। ओ धुआं निकल चुका फाइनली, कोयला डाल रखा है इसके अंदर, कोयले का फ्लेवर बहुत ही खतरनाक आता है। तो जो बीच में देखो जो होल हो चुका है ना, और इसमें अब क्या सिस्टर ये डालो, हरी मिर्च मक्खन पहले भी डाल देता हूँ। हमारे रेडियो पेशावरी कढ़ाई में इतनी सारी मिर्च डाल देना, मैं आज तुम्हें लग रहा है बहुत सारी मिर्च डाली, सिस्टर चटपटा हो गया है। गरम रोटी मंगा लेती हूँ होटल के, इसके बताते हैं रिव्यू की कैसी है। बहुत ही बढ़िया लग रही है पेशावरी कढ़ाई बिल्कुल, इसमें 10 में से 10 मार्क्स देते हैं। तुम्हें कैसी लग रही है? मजा आ रहा है। चलो सबको पसंद आ चुके, फटाफट से खाते हैं अपना खाना। आज मैं इतना खतरे में क्यों, आप सोच रहे हो मैं क्यों इतना भाग दौड़ कर आऊँ, बड़े डर डर के मारे मैंने गेट पेट लगा लिया है भाई। आज मैं जान पर लेने वाला हूँ अपने रिस्क, या तो मैं आज गया या आज मैं बच गया, दो चीज होने वाली है। तो भाई आज तुम्हारा भाई करने वाला है अम्मी के ऊपर सीक्रेट प्रैंक। बहुत ही मैं दिन से सोच रहा था कि मैं करूं और अम्मी को कोई प्रैंक भी नहीं हुआ था, तो आज खतरनाक प्रैंक होने वाला है। फटाफट से इसलिए आ गया क्योंकि अम्मी आने वाली है, छत पर कपड़े सुखाने जो भी सीन है, क्योंकि अम्मी कपड़े धो रही थी अभी। चलते हैं फटाफट से करते हैं अपना सिगरेट प्रैंक, और मुझे भाई मुझे जलाने भी नहीं आती, पता नहीं कैसे करूंगा प्रैंक। गाइस जो भी होता है भाई बहुत मजा आने वाला, फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने प्रैंक को। इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत रिस्क लेने वाला हूं, तो भाई आगे और मैं प्रैंक बनाने के लिए हिम्मत आनी चाहिए, तो इसलिए लाइक कर देना बस। चलिए शुरू करते हैं। गाइस फाइनली ऊपर आ चुका हूं, बट अम्मी ना जा, मुझे डर लग रहा है, मुझे ये भी नहीं पता कि कैमरा कैसे सेट हुआ पड़ा है, वैसे जलाते कैसे है। ओ
इतनी मजा सिगरेट। समझ रहे हो? तोड़ क्यों रही हो? अरे 12 रुपए की लाया, 12 रुपए की लाया हूँ। नहीं सिगरेट नहीं है ये, ऐसे ही है। तुम क्या खाने, तुम तो नहीं देती। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, ये पीने का टोक नहीं है, पीता हूँ कम बुलाने के लिए। तोड़ क्यों दिया यार, 12 रुपए की लाया था मैं। छत पर आया था, टॉयलेट करना आया था मैं तो। यार अम्मी एक ही पिया आज तो जिंदगी में पहली बार। दम चखा था मैंने सिगरेट, मैंने देख रहा था कैसे पीते हैं। सिगरेट तो अच्छी है, मार तो बहुत बुरी है। अब मार बुरी हो, अब मुझे मत को अब नहीं करूँगा तो भी। चलो नहीं पीऊँगा, सॉरी सॉरी। चल तेरा कुकुर स्मेल फोन चल। चल अब मैं मारू मत, नहीं तो अब नहीं पीऊँगा। अब मैं गिरा रहा था, अब नहीं पीऊँगा। चलो चलो अब नहीं पीऊँगा। तो भाई मैंने अभी कैमरे उठा लिया, अम्मी हो चुकी है बहुत गुस्से में। अम्मी अब्बू को बुलाने गई है नीचे बाप। ये क्या है ये बता? अरे सिगरेट भाई, मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी। अब्बू को बुला रही हो तो? पागल, मैं छुपाऊंगी नहीं वाली बात। अब नहीं पीऊंगा ना, सॉरी। ऐसे कैसे करते हैं? सॉरी ना, सॉरी। मुझसे बोल रहा हूं, उससे बोल सॉरी। अब्बू को मत बुलाओ, अब नहीं पीऊंगा आज के बाद। अब नहीं आज के बाद तो मैं पी दी, क्या करूं? अब नहीं पीऊंगा ना सिगरेट, ये तो पी दी। कुछ और थोड़ी नहीं है, अब्बू को मत को यार, हम आपको मारेंगे। मैं बुलाऊंगी, अब नहीं पीऊंगा, अब नहीं पीऊंगा, सॉरी सॉरी। सो तो गंदे भी नहीं आते मुझे, दस ला रहा हूँ। एक दो तीन चार पाँच कर, अब मैं तेरा बुक दिखाऊंगा। करेगा तो करेगा, अब नहीं करूंगा जिंदगी में। इनसे पूरी शरीर की सब बेकार, तुम्हें लगता है मैं सिगरेट पीऊंगा? तो फिर ये क्यों? ये तो मैं ट्रायल करना है, ट्रायल करना है। चाखा ले लेगा ना, कल को दोबारा पिएगा। अब नहीं पीऊंगा, सॉरी। पिएगा पिएगा पिएगा। एक बार कर रहा हूँ, कैमरा देखो। सर इतनी मुश्किल से मैंने यहाँ पर कैमरा फिक्स करा, तुमने पता मेरी गुत्ती कैसे लाई है? बहुत बुरा लगा है तो आए देख लो अम्मी, आज रिएक्शन देख लिया मैंने सिगरेट पीने के ऊपर कैसे आता है। अब मैंने इतना मारा तो जिंदगी में कभी हाथ नहीं। मैं तो वैसे भी नहीं पीता, मम्मी तो प्रैंक कर रहा था आज, मैंने बहुत बड़े प्लानिंग कर रखी थी इतनी मुश्किल से। सिस्टर आज देखो, मैंने एक बात बताना चाहता हूं, अम्मी का बर्थडे ना, मैं अम्मी के लिए बढ़िया सा सरप्राइज। अरे बर्थडे के बड़े हैं, मेरा भरता बन गया। तुम्हारा भाई क्या कर रहा और था? तुमने एक तो नुकसान कर दिया, 12 रुपए ही खरीद के लाया था मैं दुकान से। यार मान भी लो, ऐसा काम करेगा क्या? अरे हाँ करेगा, हाँ कोई रोक लेगा क्या? तुम इसके साथ दो, जी अम्मी कैसा लगा मेरा प्रैंक? आयो मजे मेरे ऊपर तो करेगा मतलब मैंने चार बार। मैंने बताऊं बताऊं अम्मी को, मैंने जल्दी से क्यों बता दी? क्योंकि अम्मी बुलाने वाली थी अब्बू को, और अब्बू को बुला लेती फिर अब्बू तो मेरे अंदर बिन देगा अंदर छुप वाली बात। तो अब तो कह दो, अब तो प्रैंक है, आपकी कोई टेंशन नहीं है मुझे। पर अगर तुमने जब बुला लेते ना, मैं अम्मी ने तो मारा ही, सच में पी रहा हो? अरे नहीं नहीं, वो तो अम्मी ने खुद देखा था, पी नहीं रहता। पलटी तो ना मान ली, पलटी कैसी? तेरी उम्र से शिकायत करूंगी अम्मी, मुझे से नहीं, वो मुझे बताना यार, वो नाराज आएंगे फिर लड़ाई करेंगे। करण जैसे तो धो धो के मारेंगे। अम्मी से मैंने सॉरी मांग लिया, अब नहीं पीऊंगा, ऐसे प्रैंक ऐसा करूंगा नहीं, बट मुझे बहुत ही मजा आया और अम्मी का रिएक्शन देखना था, दिल खुश हो चुका। भाई अभी ये भाई लोग आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से आ रहे हो? मुस्तफा। अच्छा भाई मुस्तफा सर हो भाई, बस बढ़िया। चलिए सिस्टर ने बड़े दिनों बाद अपने पैसे जुड़े हुए निकाले थे, तो अम्मी हमने सबने पकड़ लिया, हमने की आज तो पार्टी देगी। सिस्टर ने की चलो ले लो पार्टी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत दिनों बाद पार्टी दे रहे, तो मैं जा रहा हूँ बर्गर लेने। क्या था खाना फाना ले? यार खाना फाना नहीं, कुछ चीज खाने का दिल करा, तो बर्गर भी हल्की चीज नहीं है, महंगे वाले बर्गर लेने आ रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक वाली। ठंड हो रही है, जैकेट के आराम बार भी निकल दिया। हवा 5 चिकन बर्गर पैक, कभी स्लीप ले लिया, अभी बर्गर हमारे रेडी हो रहे हैं, पार्टी करते हैं। सिस्टर थैंक यू, आज
जरा भी भीड़ नहीं हो रही थी, तो हमें 5 मिनट के अंदर दे दिया उन्होंने पैक करके भाई। सॉस इतनी सारी दे दी, मैं तो मैंने की भाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा दे देना, उन्होंने पर इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा दे दी कि ये खत्म ही नहीं होने की। आज मेरा एक प्लान और था कि शोरूम में जाऊं बाइक के, बट यार वहाँ पर प्लान हो चुका है, कैंसिल हो रहा है। एक बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, अभी रिवील नहीं करूंगा, करूंगा शायद कल करूंगा परसों करूंगा, पर कर दूंगा उसकी टेंशन फ्री रहो। जिसने भी क्रीम अभी तक ऑर्डर नहीं की है हमारी खूबसूरत व्हाइटनिंग, जल्दी जल्दी ऑर्डर कर दो क्योंकि स्टॉक खत्म होने वाला है, फिर उसके लिए एक दो दिन लग जाते हैं। बट आप ऑर्डर करना, और वाली आईडी यहाँ पर आ रही है, जल्दी यहाँ मैसेज करें, ऑल इंडिया डिलीवरी है, मेरी तरह गोरे हो जाए। लो ये आ चुका है सबके बर्गर, और ये वाले बर्गर थे चिकन वाले, पूरी की पूरी देखो उसका मुर्गे की बोटी होती है इतनी बड़ी, जब भी बहुत बड़े वाले बर्गर है। भी खा दे तुम्हारे तो क्रीम इतनी सारी लगी, मैं तो नॉर्मल है, और ये हमारी देखो चटनी चटनी ला दो, तुम कितनी सारी रख सकती हो, बड़े आया बिल्कुल एक नंबर। अभी आ चुका हम अपने टायर पर, और अभी हम जा रहे हैं जमा मस्जिद, और ऐसे हम वैसे बाइक पे घूम रहा था, मेरा कोई प्लान नहीं था कि ज्यादा दूर जाने को, जब मौसम देखा ना मैंने इतना बढ़िया हो रहा, फिर दिल दिल करने लगा जाओ पहुंच जाते चलते हैं फटाफट से। और हमारे साथ हो चुका बहुत बड़ा पोवर्टी यार, एक तो जितना जाम से बचा ना उतना जाम लगता, पूरा का पूरा ट्रैफिक देखो, आईटीओ वाला आईटीओ करोड़ प्लेस आ रहा है, देखो पूरा जामा मस्जिद का रोड ब्लॉक हुआ पड़ा है। वाह मैं तो सोच रहा चढ़ेगी नहीं ये वाली गाड़ी, तो फुटपाथ के ऊपर यूं ही चढ़ के टायर देने भाई, ये कुछ भी कर सकती है, तो पर हम फुटपाथ के ऊपर चढ़ा देते हैं क्योंकि जितने भी है ना सब देखो यहाँ बस स्टैंड है, बस स्टैंड में गाड़ियां गुजर रही है, दिल्ली वाले हैं दिल वालों की। और मैं यहाँ पर घूमने आ चुका हूँ, घर पे मामी आ चुकी है और मेहमान आ चुके हैं, खाला फाला भी आई है, अम्मी कहीं यहाँ जा मैंने अब तो नहीं आ रहा, मैं आगे यहाँ यूटर्न लेने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, भाई लोगों के साथ आओ तो भाई लोगों को टाइम देंगे। मेरा पेट तो हो चुका है फुल, बट क्या करूँ इतनी जबरदस्ती कर देने की भाई खा लो, तो आज हम ये खाना अल्फाम वाला अल्फाम देखो भाई कैसे पकड़ा पड़ा पूरा मुर्गा ना के अंदर बांध दिया और पूरा चिपक चुका, तो आज यही वाले ट्राई करेंगे। रेस्टोरेंट के अंदर हम बैठ चुके हैं, भाई ने जो हमारे यहाँ के ओनर है ना वो भाई हमारे सब्सक्राइबर निकल चुके हैं, और वो कह रहे भाई हम तुम्हें खिलाएंगे स्पेशल मंदी, यानी कि भाई खाना खाकर आऊं, वो कह रहे भाई मंदी खिलाएंगे, पता नहीं क्या सीन, अब देखते हैं भाई ने क्या, हमने लगाया था अल्फाम, भाई ने लगा दिया सीधे मंदी, देखते मंदी आती है हमारा अल्फाम आता है, मैंने तो अल्फाम ही मंगाया था, भाई ने मंदी मंगा दिया, भाई मंदी है ना ये मंदी है अल्फाम मंदी, और भाई कितनी टेस्टी लग रही है, दिल खुश हो चुका है नीचे के अंदर, बिरयानी बिरयानी लजीज लग रही है, भाई ने पूरा सेक रखा है अंदर से, और इसकी 3-4 तरह की चटनी दे रखी है, प्याज है नींबू है। इसका एक बार टेस्ट करके बताते हैं कैसी है, बिस्मिल्लाह एक नंबर हो रही है सच बता रहा, बट खाए नहीं आ रही है, जबरदस्ती खाने पड़ता है, इतना टेस्टी खाना देख चुका तो मैं क्या करूं भाई, खाना तो पड़ेगा ही। तो ये देखो भाई क्या बहुत ही मजा आ रहा है, सच्चा तो फटाफट से खाते अपना खाना। ओ ये देखो टंगड़िया है, मुझे पता है इसे भी देख देख के सबका मुंह में पानी आ गया, बहुत ही बेहतरीन हो रही है, टमाटर की चटनी हो रही है ना जो वो ज्यादा जाप से लग रही है, चावल बाबा बिल्कुल भी नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मुझे चावल को मना था डॉक्टर ने कहते, तो इसलिए मैं अपना अल्फाम पहन रहा हूँ। तो मंडी खा के हम डायरेक्ट बाहर आ चुके, और मैंने अपने ले ली थी ऑरेंज वाली टोपी, और भाई वो सब्सक्राइबर थे उन्होंने पूरा हमें 100 रुपए का डिस्काउंट दिया था, 800 रुपए की 700 रुपए लिए थे। वालेकुम अस्सलाम, और ये भाई मुझे पता कौन है, मैं तुम्हें जानता हूँ पर मैं बताऊंगा नहीं आज क्योंकि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, मेरी जैकेट मांग के पहन ले भाई, मुझे भी ठंड लग रही है यार मेरी जैकेट, जैकेट तो है नहीं मेरी जैकेट पहनी और मुझे ठंड लग रही है, मैंने देख रहा कुछ भी नहीं पहनना, खंदा फटाफट से चलते हैं घर पर, देखते हैं मामी वामी है या नहीं, मुझे लग रहा है वो शादी में आए थे ना, वो शादी में चले गए होंगे, अगर होंगे तो आपको फिर ब्लॉग में बनाते हैं, उनसे मिलते हैं। बार बार आ चुके थे और इनो के टू स्कूल में मुझसे क्या कहते तुम्हारे स्कूल में अरमान ब्लॉग तुम्हारा मामा है, यकीन नहीं करता कोई, देख लो भाई देख लो मैं मामा हूँ, अब यकीन कर लेना जो भी सही है ना, सबको वीडियो दिखा देना, तो सुना दो एक दुआ आती है ना, दुआ सुना दो। अरे यार बहुत नर्वस है, और ये आप सब इन द हाउस, ये और ये चीपड़ी भी आ चुकी है, और बढ़िया कितनी देर होगी, मैं लेट हो गया क्या आता है, कितनी लेट हो, कितनी तुम कब से आए हो, 7 बजे से, ओ मैं तो 11 बज गए, तो कुछ ज्यादा लेट हो गया, अब यार समझ कर देखती हूँ पता ही है। भाई अरे दुआ सुना दो भाई, ये भाई ये तो मुझसे भी ज्यादा शर्मा रही है, ये शर्मा क्यों रही है वैसे इतना, पहली बार आई है, अरे ससुराल थोड़ी ना है ये भाई तो बहुत शर्मा रही है, मैं क्या करूँ, अरे लड़की हो तुम है तो भाई ने भी यकीन कर लेना भाई, सब सही है मामा हुआ तुम्हारा, मैंने खुद बोल दिया। यहाँ पर आने लगे बच्चों के मजे, लो 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 चलो हमारी तरफ से लाओ चीज, मैं दूंगा ये चीज शर्मा कितने रही है, क्यों शर्मा रही है मुझे तो ये बताओ, ये नहीं बोल रही, पता नहीं क्यों नहीं बोल रही है, बट ट्यूशन में बच्चे पूछते हैं अरमान तुम्हारे मामा ने पता चल जाएगा, हाँ मैंने व्लॉग में ले लिया, अभी यकीन कर लेना पता चल जाएगा जी, चलो तो चलो मामी भी जा रही है फाइनली कार में बैठ चुके हैं, चलो भाई बाय बाय, अभी जा रहे हैं धनकोर, और मुझे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेट तो होगी कोई दिक्कत नहीं, सही टाइम इन पे आ गया था, चलो मामी बाय बाय, व्लॉग एडिट करने आ रहा था यहाँ पर, भाई 3 भाई आ रहे हैं वेलकम से, बट फोन नहीं है तो भाई स्क्रीन शॉट ले लेना भाई, तो अब यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है भाई 3 आ जाओ कल व्लॉग में, नाश्ता वास्ता करा दिया है, अरे यार अम्मी आज हमने इतना खा लिया हद हो चुकी है, क्या करूँ मैं, नाश्ता दिखाते दिखाना दिखाओ लगाए, फटाफट से बोल देते हो कमेंट, तो फर्स्ट कमेंट है समीर, दिन भर साथ घूमते हैं यार और अरमान भाई के व्लॉग होते हैं मजेदार, एमडी यासीन भाई आप ओखला आए थे बट आपने बताया नहीं, हम इंतजार कर रहे थे आपसे मिलने का, भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आपको सबको जरूर बताऊंगा, और बहुत ही सारी कमेंट आ रही है हमारी ओखला से, घूड़ देखो यहाँ पर ही बताऊँ क्या कर रहे, देखो पकड़ लिया आज, देखो इसका खाना रखा प्लेट, वो खाना निकाला, इसे बहुत तेज की भूख लग रही है, तो चलो आपको आज की वीडियो कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।